ये कार आई है कर्नाटक का बेंगलोर से आने का पर्पस एक ही है कि ओनर ऑफ द कार ने मुझे फ़ोन करके बोला तनवीर भाई मैंने कार ली है ई वेरिएंट इसे बोलते हैं बेस वेरिएंट लेकिन ये कार जब मैं बैंगलोर वापिस लेके जाऊँ ना अंदर से ना बाहर से ई वेरिएंट लगने ही नहीं चाहिए फिर से प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं क्रेटॉन इन वाइट कलर फ्रॉम बैंगलोर दोस्तों ये कार आई है बेंगलोर से क्रेटोन मतलब 18 इंचेस के अलॉय व्हील दोस्तों ये भी कार ई e वेरिएंट है वो भी कार ई e वेरिएंट है दोनों भी कार हमने ही अपग्रेड की है लेकिन क्रेटोन बोला तो इसमें 18 इंचेस है वो गैस जो मॉडल है उसमें 17 इंचेस है ड्यूएल टोन कॉम्बिनेशन है काफी सारे फर्क है मैं जरूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार दोस्तों 18 इंचेस के डायमंड कट व्हील हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं 18 इंचेस डायमंड कट व्हील का जब मेन स्टैंड आउट कब आता है जब आप साइड की गन मेटल कलर की स्कीट प्लेट इंस्टॉल करते हैं तब जाके ये कार कंप्लीट होती है ये कार को हमने ड्यूल टोन भी किया है घरवारे की हाई ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है वाइट कलर की कार ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन 18 इंचेस के साथ आप चेकआउट कर सकते हैं अभी वही कार है दोस्तों 17 इंचेस के अलॉय व्हील है साइड की स्किट प्लेट भी हमने इंस्टॉल की हुई है लेकिन डुअल टोन नहीं किया हुआ है तो लुक स्टैंड आउट डिफरेंस आप लोगों के सामने है वाइट कलर की कार में डुअल टोन काफी बढ़िया लगता है लेकिन डुअल टोन की बात ऐसी है जो सिल्वर कलर के जो पैनल्स आते हैं वो हम रिप्लेस करते हैं नाइट एडिशन के तब जाके ये कार कंप्लीट कहलाती है दोस्तों ड्यूल टोन विद द साइड स्किट प्लेट एंड 18 इंचेस के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है कार दोस्तों कोई देख के बोल ही नहीं सकता है ये है क्रेटा ई e वेरियंट लेकिन अपग्रेड होने के बाद ये बन जाती है क्रेटॉन द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में ये कार में हमने ट्रियो हेडलाइट्स इंस्टॉल की है अभी आप चेकआउट कर सकते हैं ट्रियो हेडलाइट जो मैं हर वक्त बोलता हूँ इसकी डी ब्राइटर और ब्रॉडर आती है आप ये भी हेडलाइट चेकआउट कर सकते हैं इसमें हमने हाई पावर एल इंस्टॉल की है लेकिन अगर रोड प्रेजेंस की बात होगी तो ये चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ग्रिल हमने रिप्लेस की हुई है और फ्रंट बैक एंड साइड की स्किट प्लेट्स हमने इंस्टॉल की है ये कार में भी ग्रिल रिप्लेस की हुई है फ्रंट बैक और साइड की स्कीट प्लेट इंस्टॉल कर की हुई है लेकिन हेडलाइट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आप चेकआउट कर सकते हैं ड्यूएल टोन साइड स्किट प्लेट वो भी आप लोगों के सामने है अब आएंगे रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में रियर प्रोफाइल दोस्तों ऐसा है अगर हमने हेडलाइट रिप्लेस की है तो हम टेल लाइट्स भी रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसके पार्किंग मोड जो है ब्राइटर और ब्रॉडर आते हैं रियर की आन बान शान हर वक्त क्यों आप लोगों के साथ ये चीज बोलता हूँ एक भी गैप नहीं है जेन्य है टॉप वेरिएंट का लुक है दोस्तों इसी के लिए तो ये क्रेटॉन बनती है रियर में शार्क फिन एंटीना 100% वर्किंग के साथ हमने इंस्टॉल किया है ये कार में भी रियर की स्किट प्लेट हमने इंस्टॉल की है लेकिन टेल लाइट्स हमने चेंज नहीं की हुई है तो आप डिफरेंस चेकआउट कर सकते हैं जेन्यून शार्कफिन एंटीना भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको मस्क्यूलर स्पोर्ट्स टेरिंग चाहिए प्लीज़ प्री बुक योर ऑर्डर बिफोर कमिंग दोस्तों ये चीज़ की इतनी डिमांड है मैं थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहूँगा ओ आर वी एम मिरर्स दोस्तों इतनी दूर से आए हैं 24 घंटे का सफ़र है क्या चीज़ करने के लिए आए हैं परफेक्शन ऑफ वर्क लेने के लिए मिरर के ट्रिम्स हम चेंज करते हैं कटिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं और दोस्तों इतना काम किया इतनी अच्छी तरह कार अपग्रेड की तो कटिंग करवाना ही क्यों है ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं वन टच स्विचेस के साथ है ट्रिम्स चेंज की हुई है चारों डोर की हमारी लेदर की रैपिंग हमारी सीट कवर की फिट एंड फिनिशिंग विद द सेंटर परफोरेशन के साथ हैक्सिग पैटर्न के हमने सीट कवर इंस्टॉल किए हुए हैं लेकिन दोस्तों स्टेरिंग अप डाउन मस्क्यूलर मोल्ड्स अगर ड्राइविंग का प्लेजर चाहिए तो ये चीज़ हमको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी स्टेयरिंग ऑडियो भी लगाया क्रूज कंट्रोल भी लगाया है ग्लास होल्डर भी लगाया है प्लेयर हमने सेंटा रोजा 985 वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो 360 की कनेक्टिविटी भी है लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी ये चीज के अंदर दो साल की ऑफिशियल वारंटी है दोस्तों ये सब ब्रांड बेचना क्यों है क्योंकि अगर मुझे इंडिया के साथ कनेक्ट करना है तो अपने मार्जिन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा आप लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और मुझे ब्रांड ही आप लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत आ जाती है चाहे आप बेंगलोर में हो हैदराबाद में हो इंडिया के कोई भी कोने में रहो दो साल की ऑफिशियल वारंटी है और सर्विस स्टेशन के साथ है लेकिन स्टेयरिंग एक नेक्स्ट लेवल है एक्टिव एम्बियन लाइटिंग भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है अलग अलग कलर्स हैं अलग अलग मोड्स हैं इसके अंदर चारों भी डोर्स में इनर हैंडल्स जो टॉप वेरियंट के आते हैं वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं दोस्तों क्रैटा कार मैं बोलूँगा नंबर वन है आज की तारीख में डिमांड इतनी है वेटिंग पीरियड इतना है टॉप वेरिएंट जल्दी मिलेगी ई वेरिएंट जल्दी नहीं मिलेगी क्योंकि ई वेरिएंट के मल्टीपल फायदे हैं चाहे आप गैस मॉडल में बना लीजिए चाहे आप क्रेटॉन में बना लीजिए चाहे आप नाइट एडिशन में बना लीजिए चॉइस आपकी है लेकिन ओनर ऑफ द कार ने एक ही बात मुझे फ़ोन पर बोली मैं जब वापिस बेंगलोर जाऊंगा मुझे फील ई का नहीं आना चाहिए और वो मेरी ड्यूटी है वो चीज़ इनको देना दोस्तों मैं थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को जो प्यार जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया है मजाक नहीं है दोस्तों 24 24 घंटा ड्राइव करके ये आना जब कार लेते हैं उनका दिल तो होता है हमारे पास आने के लिए लेकिन इतने जन मिलते हैं बोलते हैं कोई जाता है क्या मुंबई क्या ज़रूरत है जाने के लिए काम इधर भी होता है क्या ज़रूरत है इतना दूर जाने के लिए चौबीस घंटा की ड्राइव है लेकिन उस ओनर ऑफ द कार ने एक ही बात उनको बोली सिर्फ दो दिन आप रुकिए सिर्फ दो दिन जितना आपने बोला मैंने सब कुछ सुन लिया लेकिन दो दिन के बाद जब मैं कार आपको बताऊंगा तो तब आप मुझे बोलना कि मैं मुंबई इस किसके लिए गया मुंबई जाना मेरा वर्थ था कि नहीं फिर आप लोग ही डिसाइड करना ये चीज ये कमिटमेंट करके आए हुए हैं सर थैंक यू बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ तो ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट ये क्रटॉन ये गेस्ट द मॉडल आपको किस तरीके से लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन